दिन जब खत्म हो गया 12 बजे तो मोर देन 5,000 रुपीज एक दिन का जो मेरी सैलरी बनती है। अब ये बताओ, जो भी मैंने किया कोई रॉकेट साइंस लगा आपको? हेलो मेरे दोस्त, छोटा मोटा वीडियो है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। आज मैं पानी चेंज करने वाला हूँ लाइफ बोट में, ठीक है। पहले वाला पानी एक्सपायर हो गया है। ये कैसा पानी है, क्या पानी है, देखो एकदम से जेल जैसा है ना, आई डोंट नो। 500 ml का ये है, आज यही हम बदलने वाले हैं। और भी छोटी मोटी चीज़ें बदलेंगे लाइफ बोट के अंदर। ये पानी रहता है लाइफ बोट में, मान लो आप जब लाइफ बोट, तो पता ही होगा ना, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जहाज को अबांडेंड करते हैं ना, जब छोड़ के जाते हैं, अगर कुछ खतरा हो गया, जहाज सेफ नहीं है रहने के लिए, आग लग गया, कुछ होने वाला है, गलत डूबने वाला है, तो लाइफ बोट से जाते हैं हम। तो लाइफ बोट में ना कुछ कुछ चीज़ें पहले से रखी होती हैं। क्या चीज़ें रखी होती हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप गूगल करोगे पता चल। तो आज की वीडियो में बस एक पानी की बात करते हैं। 500 ml का पानी है, बहुत ही सर्टिफिकेशन होता है ये 500 ml। हमारा जो नॉर्मल पानी खरीदते हैं हम, वो भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट, उसका जो लॉन्जिविटी है, वो सब उतना रहेगा नहीं। तो ये सर्टिफाइड रहता है। फिलहाल ये देखो लॉयड्स का है, आई थिंक रजिस्टर्ड, यस माय फ्रेंड, मैं दिखाऊंगा ये। और ये 0.5 लीटर पर पर्सन पर डे रेकमेंडेड कंजम्पशन लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो बाकी रिक्वायरमेंट्स आप जब गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 3 लीटर के आसपास रहता है हर आदमी के लिए जहाज पे, लाइफ बोट पे पानी, ठीक है। इसमें इसका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है 2028 में एक्सपायर होगा। तो पहले वाला एक्सपायर हो चुका है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये फेंक देंगे उसको, उसका कोई ये नहीं है, पैकेट फाड़ेंगे, पानी निकाल देंगे और गार्बेज में डाल देंगे प्लास्टिक, ठीक है। और ये हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक। तो आज सुबह की शुरुआत ऐसी ही कुछ हुई, ठीक है। ये वाला मोबाइल खरीदा है हमने, ब्लॉग में पहले ही बता देता हूँ। ये कहाँ लगता है पता है ना, बस वही खरीदा है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना। तो ऐसे कुछ पैकेट्स बना रखे हैं मैंने, ये देख रहे हो, यहाँ ये ऐसे पैकेट्स थे, वो मैंने ऐसे एक एक पन्नी में ना पाँच पाँच करके भर रखे हैं। ये सारा इसमें भरा हुआ है, ये सारा ही जो है, ये सारा हम रिप्लेस कर देंगे। जो पहले वाला पानी है ना, उसको बदल के नया ये वाला पानी रख देंगे, ठीक है। तो आज अब पूछोगे, सुबह आके यही कर रहा हूँ क्या, ये क्या, ये मैंने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? यूनिफॉर्म नहीं पहनते यार, यूनिफॉर्म लोग मुझसे कुछ भी पूछे जा रहे हैं ना, जीपी रेटिंग करूँगा तो कौन सी यूनिफॉर्म होती है, यही अपनी यूनिफॉर्म, थोड़ी पीली पड़ गई है। हम सिर्फ पोर्ट में पहनते हैं, जब पोर्ट जाते हैं ना, तो जब जहाज पायलट आता है या खाना खाने जाते हैं तो अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। फिलहाल जब काम का समय होता है तो ये कंफर्टेबल है ना, मैं नीचे बैठ सकता हूँ, न जाने कितने पॉकेट्स हैं, समझ रहे हो। तो वो यूनिफॉर्म वाली बातें भूल जाओ, ये नेवी नहीं है, ये मर्चेंट नेवी है, ठीक है। हम यहाँ काम करने आए, कॉमर्शियल चीज़ें होती है यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, सुबह की शुरुआत हुई ना, तो मैं आया ब्रिज पे, बहुत कुछ किया। एक ये एंकर लॉग भरा, दुनिया भर का एंट्री होता है इसमें। ओ डर मत जाना दुनिया भर की एंट्री से, कुछ खास एंट्री नहीं होती है, मतलब वही कॉपी पेस्ट। आप जहाँ पे हो एंकर पे, मैं एंकर पे हूँ ना, बाहर देखो जहाज एंकर पे खड़ा है। ये भरा मैंने, ये लॉग बुक में बहुत सारी एंट्रीज, छोटी एंट्रीज हैं, कॉपी पेस्ट ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। जैसा हम सुबह लिख रहे हैं, शाम लिख रहे हैं, वही चीज़ें होती हैं, थोड़ी थोड़ी ऑल्ट्रेशंस होती हैं, आओगे समझ जाओगे, एकदम डरना नहीं है। पहली बात तो देखो, अगर जीपी रेटिंग से ऑफिसर बनोगे तो तुमको पहले तो बहुत सारा समय बिताना पड़ेगा ना जहाज पे, तो ये सब चीज़ें आते हो तो सीखा करो, नॉट डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। समय दो, छोटी छोटी चीज़ें एक एक करके ख़त्म करोगे तो कितना ईजी है ना, एक ही समय में सब कुछ आ जाएगा तो पागल हो जाओगे। और यहाँ पागल होने तो आए नहीं है, इसकी बहन का मजा ही मजा।
अच्छा मुझे ना ये रील्स वील्स यार कभी कभी आ जाता है ना, एक देख लेता हूँ और हंसी सी आ जाए तो दिन भर दिमाग में घूमता रहता है। एनीवेज, सो बेसिकली टुडे आई एम गोइंग टू डू दिस। तो मॉर्निंग में आया, कॉफ़ी वॉफी पी, ये हमको भेजा गया था कि तीन साहब खाओ, नया बेकिंग करके वो सब खाया पिया। अब ये सारे पैकेट्स जमा हैं, ये भी कुछ, ये भी चेंज करेंगे बट ये आज चेंज नहीं करेंगे, इसका अभी समय बाकी है तो बाद में चेंज करेंगे। भाई ड्यूटी होगी ख़त्म, ठीक है अब हम जाएंगे। सगन साहब आ चुके हैं ब्रिज पे, अब हम निकलेंगे, अब जा रहे हैं हम लाइफ बोट में। क्या आदमी हो, 10 मिनट रुक नहीं सकते? रोशन कितने जल्दीबाजी में रहते हो। ओहो, विजिबिलिटी से तुम्हारा काम चल रहा है ना, सही है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, बोसन ने हेल्प किया मेरा पानी लाने के लिए, और लाइफ बोट जो है हमारा फ्री फॉल टाइप का है, तो ये टेढ़ा सा रहता है ना, तो थोड़ा सा खतरनाक सा होता है, बट इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। एक बार आप यूज्ड टू हो जाओगे तो अंदर जो है ना उतरते समय थोड़ा सावधानी रखना। बाकी हमने इसको, इसका जो कंपार्टमेंट है पानी वाला, वहाँ पे खोला, पानी को रखा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ये नॉर्मल, आज मैं सिर्फ पानी रखने ही गया था, तो बस पानी रख के मैं निकल आया, दिन की छुट्टी। अब हम चलेंगे शाम को अपनी वॉच लाइफ पे। बोट को सिक्योर कर दिया, दिन हो गया ख़त्म, शाम को आए अपनी वॉच पे 8 से 12। सारे मैंने रिलेवेंट एंट्रीज जो भी थी ना, जहाँ पे भी करनी थी वो सारी कर दी। दिन जब ख़त्म हो गया 12 बजे, तो मोर देन 5,000 रुपीज़, एक दिन का जो मेरी सैलरी बनती है, मोर देन 5,000, वो हमारे, हमने जोड़ लिया कि भैया आज का काम हो गया। अब ये बताओ, जो भी मैंने किया, कोई रॉकेट साइंस लगा आपको? कोई भी, सारा जिम्मेदारी का काम है, ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें से भूलने वाला काम नहीं है। भूल गए फिर वही है कि जिम्मेदार नहीं हो आप, समझ रहे हो। तो मेरा जब भी ये वीडियोस बनाने का जो मेरा मकसद रहता है ना, आपको ये समझाना है कि काम बहुत आसान है, ठीक है, ज्वाइन कर लो जहाज, और यहाँ आने के बाद जिम्मेदारी से काम करो, डरना कुछ नहीं है। जो भी एबीज, जो अभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, एग्ज़ाम्स के लिए सोच रहे हो, डर जाते हो कभी कि यार पैसे लग रहे हैं, ये वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बस हिम्मत से लगे रहो। जहाँ पे भी हो, ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं हूँ आपके साथ, अपनी पूरी कोशिश करते हुए। कि कॉन्फिडेंस तो छोड़ो यार, जो सच्चाई है ना, जो जिस चीज़ के लिए आप डरते रहते हो ना, वो सारा आपके दिल से मैं निकाल दूंगा, ठीक है। बस आज की वीडियो यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।